हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर पंजाबी टीचर नीरू। आज असी नौवीं जमात की साहित्यमाला पुस्तक के विचों पहला पाठ पुरातन जन्म साखी बारे पढ़ांगे। यह जन्म साखी सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी के जीवन का वृतांत है। जिवें कि असी सब जानते हाँ कि गुरु नानक देव जी का मन दुनियावी कामों के विच नहीं सी लगता, वह हमेशा प्रभु भगती दे विच लीन रहते सन। जदों यह गल गुरु नानक देव जी के भनोईए भाव भैन के घर वाले जहरा नूं पता लगी तो वह यह गल सुन के बहुत हैरान होया कि नानक बहुत परेशान रहता है तो कोई काम नहीं करता। यह गल सुन के जयराम ने गुरु नानक देव जी को एक खत लिख के अपने कोल सुल्तानपुर बुला लिया। जदों गुरु जी ने यह गल अपने घरदियां नूं दसी तो यह गल सुन के घर वाले बहुत खुश होए। उन्होंने आख्या कि चंगा होया, अगर नानक उत्थे जाएगा तो किसे काम लगेगा। जदों यह गल सुन के गुरु जी की पत्नी बैराग करती हुई बोली कि वह तो पहला ही उसनू मूँह नहीं सन लाते, परदेस जाके तो वह उसनू भुल ही जाएंगे। गुरु जी ने कहा कि ना वह इत्थे कोई काम करते सन, ना ही उत्थे जाके कुछ काम करने की आस है। तो गुरु जी की पत्नी ने कहा कि जदों वह घर में बैठे होंगे हैं तो उसनू लगता है जिवें उसनू सारे जहान की बादशाही मिली हुई है। तब इस संबंधी गुरु जी ने कहा कि एक दिन जरूर तेरी पातशाही होगी। तो यह गल सुन के गुरु जी की पत्नी चुप कर गई तो गुरु जी सके संबंधियों तो विदा लैके सुल्तानपुर वालों चल पे। असी हुण इस दे दूजे सिरलेख मोदी खाना संभालिया बारे पढ़ांगे। जदों गुरु जी सुल्तानपुर पहुंचे तो जयराम गुरु जी को मिलकर बहुत खुश होया। उसने देखा कि नानक का चंगा भला है। जयराम जो कि नवाब दौलत खां दे मोदी खाने का मोदी सी, उसने नवाब को बेनती करके कहा कि उसका एक साला है जो आप जी को मिलना चाहता है। नवाब की आज्ञा लैके गुरु जी कुछ नजराना लैके नवाब दौलत खां नूं मिले। नवाब दौलत खां दे पुछण ते जयराम ने कहा कि इसका नाम नानक है। तो उसने कहा कि नानक मैनू दयानदार नज़र आता है, इसलिए वह मोदी खाने का काम गुरु जी को सौंप दे। यह सुन के गुरु जी बहुत खुश होए ते खान ने उन्होंने सरोपा दिता। हर कोई गुरु जी का काम देख के बहुत खुश हुंदा अते खान कोल जाके वडियाई करता। गुरु जी को जो भी अलूफा मिलता वह अपने जोगा रख के बाकी सब प्रभु के नाम से दान कर देंदे। सुल्तानपुर रहिंदिया गुरु जी का नित करम यह सी कि वह पहर रात रहिंदिया दरिया उत्ते जाके इशनान करते, रोजाना कीर्तन करते, पंगत विच बैठ के लंगर छकते, हर रोज़ सवेरे मत्थे तिलक लगा के तैयार होके मोदी खाने का हिसाब किताब करन लग पैंदे। थैंक यू।